अरे भाई देखो, जितने भी यहाँ पे YouTube पे वीडियो आते हैं ना कि अज्जू भाई वाले वर्सेस वाले, सभी टोटली फेक ही होते हैं। तो सबको कमेंट में लिख दिया करो कि फेक अज्जू भाई के साथ मत करो यार। और ये जो प्रैंक वीडियो भी मैं ज्यादातर देखता हूँ, सभी फेक अज्जू भाई को मेरे जैसा वॉइस निकालने वाले को ही करते। सिर्फ मैंने वो प्रैंक वीडियो कॉल पे सिर्फ मैंने वजह हसन भाई के साथ ही किया है, बाकी सब वीडियो फेक है। तो किसी के ऊपर बिलीव मत करना कोई भी। एक अपना गेमर प्लीट भाई है, उनके साथ कॉल पे बात की है, फिर वजह हसन भाई के साथ बात किया, बाकी जितने भी वीडियो अज्जू भाई प्रैंक वाले हैं ना, सब भी फेक है, कॉल वाले सभी के सभी, एक एक से बढ़ गए। सभी को व्यू चाहिए, इस वजह से सब चीज़ें होती है भाई। और मेन वही होता है, यूट्यूब पे व्यूज स्टार्टिंग में आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुम लोग ये समझा करो भाई, लोग तो थंबनेल में फोटो तक लगा देते हैं बिना परमिशन के। हाँ भाई, और साबित करते फिर वीडियो में, हाँ, कि यार यही है ऐसा, खुद का तो इज्जत है ही नहीं, सामने वाले बंदे का इज्जत डुबा। बिना नहीं, देखो यूट्यूबर फ्री फायर में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है, बट एक क्लास जो चाहिए ना, बाहर यूट्यूबर जो देखते हैं क्लास, वो बहुत कम लोगों के पास है, सच बताओ, बहुत कम, मतलब गिन चुन के ही लोगों के पास होगा। बिना परमिशन लिए फोटो लगा देते, थंबनेल लगा देते, टाइटल लगा देते भाई, आता पता नहीं, मैंने खेला भी नहीं है, और ऐसे करने के बाद खेलेगा भी कौन? हाँ वही, खेलेगा भी कौन? मैं तो भाई अब क्या ही बोल रहा, जाने दो। चेंज टॉपिक। क्लास होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए यूट्यूबर, क्लास होना, क्योंकि एंड देन तुम्हें भी वही, और एक क्लास मतलब एक इस एक एक लेवल पे आने के बाद ये सब गाली गलौज वगैरह, अमित भाई ये सब बहुत वो चीजें वो करती है भाई, क्योंकि बिना मतलब तुम कोई लॉजिक के बिना किसी को भी तुम गाली गलौज कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, तो तुम्हारा क्लास इफेक्ट करता है, और बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, सच बताओ तो। गाली वाली बात ही नहीं ना, मान लो मैंने तुम्हारे साथ नहीं खेला तो, अब मान लो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया भाई, मैं बोल रहा हूँ, मान ले मैंने अजय के साथ खेला है, तभी तो मैं उनका नाम टाइटल वगैरह यूज कर सकता हूँ ना। अरे नहीं, अभी ऐसे तुम क्रिएटर भी मतलब छोटे हो तब वो चीज करो तो चलता है कि लाइक चलो यार ये कर दिया, इसका कोई इशू नहीं है, बट ऐसे बिग क्रिएटर होने के बाद तुम नहीं कर सकते। बिग क्रिएटर होने के बाद भी एक आध बात करो तो ठीक है, बहुत रिपीटेड करो तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। वही तो, एक बार के लिए ठीक होता है। अब कोलैबोरेशन की किस तरीके से करें गाइस, क्योंकि ना जितने भी यूट्यूबर के साथ, जो भी नए यूट्यूबर कोलैबोरेशन करने का एक लॉजिक होता है कि चलो यार इसने कभी नहीं खेला, उन लोगों ने ही फेक अज्जू भाई के साथ वीडियो डाला होता है, तो कोलैबोरेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उन लोगों ने साबित तो कर ही दिया है कि फेक अज्जू भाई के साथ खेल, कि मैंने अज्जू भाई के साथ खेला हुआ है, तो वहां से फिर कोलैबोरेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। छोड़ो अज्जू भाई, गेम में मजे करो। अरे मेरे को ये बताओ, बैठने के बाद वुकोंग यूज नहीं होता क्या? नहीं नहीं होता है, बैठने के बाद ग्लू वॉल लगा सकते हैं, सामने तेरे पे स्कोप करके कोई हटा है ना, तू स्कोप कर सकता है, तो बंदा परफेक्ट हेड लगता है, आराम से हेड मार देगा उसको, पता ही नहीं चलेगा।